तो फ्रेंड्स, अब से ठीक 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सर्बिया जो वीज़ा ऑन अराइवल अभी फैसिलिटी मिल रही है इंडियंस को, वो बंद हो जाएगी। और भाई, आज मेरे पास एक ट्वीट आया है, ठीक है, और काफ़ी सारे बंदे मुझे वो मेरे साथ वो शेयर भी कर रहे हैं। तो भाई, फाइनली जो वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए अब बंद होने जा रहा है। 31 दिसंबर तक ये बंद हो जाएगा और 1 जनवरी से वीज़ा इंडियंस को लेना पड़ेगा, जैसे हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ का लेते हैं, सेम ऐसे। तो भाई, ये ट्वीट आया है मेरे पास, तो इसी ट्वीट के बारे में और इसी सर्बिया जो वीज़ा ऑन अराइवल है इसके बारे में मैं बात करूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रुबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, अभी मुझे आज एक ट्वीट मिला सुबह, और जब मैंने थोड़ा सा सर्च करके देखा तो ये क्या है, तो भाई एक्चुअल में जो सर्बिया वीज़ा ऑन अराइवल है वो बंद होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। मैंने पहले भी 1.5 महीना पहले एक वीडियो डाली थी कि भाई ऐसे ऐसे बंद होने वाला है, और फाइनली ये होने वाला है। अब उस टाइम पे कंफर्मेशन नहीं आई थी, ये प्रोसेस में था। अगर हम अभी जनवरी की बात करें तो बोला है, ऑफिशियल्स ने भी बोला है, अभी जो रिटर्न में नहीं आया है, मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से तो नहीं आई है। बट हाँ, ये होने वाला है, क्योंकि ये जो बेल्जियम के जो ये कोऑर्डिनेटर हैं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अभी कि ऐसे वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है इंडियन सिटीजन के लिए वो बंद होने जा रही है। और उसके लिए जो सर्बिया है, एक वीज़ा जो जैसे लगता है दूसरी सैनिकन कंट्रीज़ का, सेम वैसे ही वीज़ा लेना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर्बिया का, क्योंकि अभी ये जो सारा कुछ हुआ है फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी इसीलिए दी गई थी कि इंडियंस जो हैं वो इजीली किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकें बिना किसी वीज़ा के, क्योंकि वीज़ा सबका नहीं लग सकता, सब वीज़ा लगाने में कैपेबल नहीं है, बट स्टिल किसी को ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल कर सकता है। सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और शैनिगन वीज़ा लगने में भाई कोई इजी खेल तो है नहीं, किसी का भी लग जाए उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है पूरा लंबा, तब जाके वीज़ा मिलता है। और उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, ITR वगैरह होता लगता है, बिजनेस भी शो करना पड़ता है, तो किसी की सैलरी भी नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, बट उनको ट्रैवल करना था, जो जेन्युइन ट्रैवलर थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब इस चक्कर में। क्योंकि देखो, जेन्युइन ट्रैवलर तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर लाखों रुपए हैं तभी आप जेन्युइन ट्रैवलर हो गए, या आपके पास अच्छा बिजनेस है या फिर अच्छी सैलरी है। नहीं तो भाई, अब ये फैसिलिटी फाइनली ख़त्म होने जा रही है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसे ही आएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। और भाई, ये जो ट्वीट आया है ये मैंने देख मुझे जब मैं देखा तो लगा कि हाँ यार, तो मुझे थोड़ा सर्च किया तो मैंने लगा कि हाँ, एक्चुअल में ये रियल इन्फॉर्मेशन है, कोई फेक नहीं है। तो यही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अभी के टाइम में जैसे आज मैं बात करूँ तो 14 दिसंबर है, तो भाई आज के टाइम में अभी तो एंट्री मिल रही है, अभी जो लोग जा रहे हैं 31 दिसंबर तक, बिल्कुल जिसको जाना है तो बिना मतलब वीज़ा लिए, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल जो फैसिलिटी चल रही है अभी उसी के थ्रू जा सकता है। बट स्टिल प्रॉब्लम्स तो हो रही है अभी, प्रॉब्लम डेफिनेटली हो रही है, और ये सारा का सारा हुआ है इलीगल, जो लोग इंडिया से जाते थे सारा का सारा इनकी वजह से हुआ है। बहुत सारे इंडियंस भाई इलीगली माइग्रेट हुए हैं सर्बिया से दूसरी कंट्रीज में, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अदरवाइज तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि इंडिया को इन्होंने बंद करना था, सिर्फ और सिर्फ इस इलीगल जो लोग गए हैं इंडिया से उनकी वजह से हुआ है। तो भाई, ये नहीं होना चाहिए था वैसे तो, बट स्टिल अगर हुआ है तो एटलीस्ट अब जिसको जाना है, ट्रैवल करना है, वो वीज़ा लेके ट्रैवल कर पाएगा और इस फैसिलिटी का अच्छे से यूज़ भी कर पाएगा। और ये जो प्रॉब्लम होती थी, बोर्डिंग नहीं मिलती थी या फिर कहीं और बंदे को रोक लेते थे, इमिग्रेशन पे रोक लेते थे, तो बहुत सारा लफड़ा चल रहा था सर्बिया का, फाइनली वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही कोई आगे इसके बारे में नई अपडेट आएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी के टाइम में इतना ही, सिर्फ और सिर्फ ये ट्वीट के रिलेटेड थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और अभी तक कोई अलग से सोर्स नहीं मिला है इसका। और जैसे ही अप्लाई होगा तो डेफिनेटली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ ही, अच्छा इनिशिएटिव है सर्बिया का। और आप लोगों की इसमें क्या राय है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो उसको शेयर जरूर करना भाई। पहली बार अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी आपके लिए। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो होती है कि ट्रैवल कैसे करना है, इमिग्रेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, वो सारे मैं आपको इसी चैनल पे लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। और आप लोग ही इस पे ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, जिससे कि लोगों की हेल्प होती है। तो भाई मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और इसको शेयर जरूर कर देना यार। टेक केयर, बाय।